हेलो दोस्तों, मैं हूं शेख मिर्शाद। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि घर से हम व्हाइट क्ले कैसे बना सकते हैं। आप में से कई लोगों ने मेरे वीडियो में देखा होगा कि मैं जब भी परियों का जादुई दंड या कोई सा भी जादुई दंड बनाता हूं, उसमें मैं क्ले यूज करता हूं। आप में से कई लोग मुझे पूछते हैं कॉमेंट करके कि वो व्हाइट व्हाइट आटे जैसे आप क्या यूज कर रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि भैया आप ये कौन सा चीज यूज कर रहे हो, ये व्हाइट व्हाइट आटे जैसे क्या है। तो ये आज मैं उनके लिए बना रहा हूँ, या हम आज होममेड क्ले बनाएंगे जो कि हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो आप होममेड क्ले सीखने के लिए हमारे इस वीडियो को पहले से आखिर तक पूरा देखें, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसके पहले आपसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो अपलोड करूँ बालबीर से रिलेटेड या कोई सा वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू कर दीजिए। होममेड क्ले बनाने के लिए हमारा कौन सा सामान यूज होने वाला है, चलिए वो देख लेते हैं। पहले ये हमारा फेविकॉल हो गया, उसके बाद में हम जो कॉर्नफ्लोर होता है उसको लेंगे, ठीक है, कॉर्नफ्लोर के बाद में। और जो हमारा जो एक्रीलिक का वाइट कलर होता है फैब्रिक, उसको हमको लेना है ताकि हम इसको डालें, जो हमारा क्ले है वो ट्रांसपेरेंट ना हो, हमारा वो वाइट क्ले बने, ठीक है। उसके बाद में हमको ये लेमन लेना है, हमारे पास में अभी विनेगर नहीं है तो इसलिए हम लेमन से काम चलाएंगे ताकि ज़्यादा दिन रख सके, कुछ ख़राब ना हो। हम क्ले बनाने के लिए इस कढ़ाई का यूज करेंगे। उसके बाद में आपको कोई सा भी चीज़ लेना है जिससे आप नाप सके, तो हमने प्लास्टिक का स्पून लिया हुआ है, इससे हम नापेंगे। तो हमको जितना कॉर्नफ्लोर ऐड करना है उतना ही हमको ग्लू भी ऐड करना है। तो हमने 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, उसके बाद में हमको 4 चम्मच ग्लू ऐड करना है, ठीक है। अब हमको 4 चम्मच ग्लू ऐड करना है, सेम आपको जिससे आपने कॉर्नफ्लोर नापा था उसी से आपको ग्लू भी नाप कर डालना है 4 चम्मच, ठीक है। सेम क्वांटिटी में आपको डालना है। उसके बाद में आपको इसकी मदद से आपको अच्छी तरह से दोनों को मिक्स कर लेना है, आपका ज़्यादा समय ना जाए इस वजह से हम इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दे रहे हैं। इसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। उसके बाद में अभी हम इसमें थोड़ा सा लेमन ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में विनेगर नहीं है, लेमन ऐड करने से हमारा जो क्ले है ज़्यादा दिन रुक सकता है, जो हम लेमन यूज करें इस वजह से, ताकि हमारा क्ले जल्दी ख़राब ना हो। उसके बाद में आपको व्हाइट एक्रीलिक कलर कोई सा भी आपको लेना है उसको डालना है, ताकि हमारा जो क्ले वो ट्रांसपेरेंट ना बने, हमारा जो क्ले है व्हाइट बने, ठीक है। उसके बाद में डालने के बाद में आपको सबको मिक्स कर लेना है, ठीक से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है कुछ समय के लिए। उसके बाद में आपको जो कढ़ाई लेकर गैस पे रखना है लो फ्लेम पर, ठीक है, लो फ्लेम पर आपको गैस पे कढ़ाई रखकर थोड़ा सा पकाना है। आप देख सकते हैं हम किस तरह से पका रहे हैं, उस तरह से आपको थोड़ा सा पकाना है। थोड़ा सा सावधानी से पकड़िएगा क्योंकि ये कढ़ाई गर्म हो जाता है, ठीक है, आपको थोड़ा सा पका लेना है। देखिए इस तरह से, इतना थोड़ा, मतलब ज़्यादा भी ना पकाए जैसे कि वो हार्ड हो जाए, हम जैसे पकाएं इस तरह से आपको पकाना है। उसके बाद में आप कोई सा भी ऑयली क्रीम यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी बाहर हूँ तो मेरे पास में कोई क्रीम अभी अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैं नारियल का तेल यूज कर रहा हूँ। नीचे फ्लोर पे अभी हम इसको गूंदेंगे तो इस वजह से नीचे ना लगे, इस वजह से हम वहाँ पे ऑयल लगा दे रहे हैं, और हाथ पे भी आपको थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, ठीक है। अभी इसको नीचे डालना है, नीचे डालने के बाद में हमको अच्छी तरीके से इसको गूंद लेना है। अगर ज़्यादा तुम अगर हाथ में लग जा रहा है तो आपको कॉर्नफ्लोर एक्स्ट्रा लेना है थोड़ा सा, उसके बाद में आपको उसके साथ में मिक्स करके उसको गूंद लेना है अच्छे से। ये हमारा क्ले जो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है बनकर, आपको थोड़ा ज़्यादा इसको गूंदना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हमारा ये जो क्ले है ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है,
आपको थोड़ा ज़्यादा गूंदने के बाद में हमारा जो क्ले रेडी हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ये जो हमारा क्ले रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं। आप इस क्ले की मदद से आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मैं जादू डंड बनाता हूँ आप ही बना सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको लास्ट में सैंपल बता देता हूँ आप इसे क्या क्या बना सकते हैं।